नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच से चर्चा में आए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े इन दिनों विवादों में घिर गए हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने समीर पर मुस्लिम होने का आरोप लगाया, जिसके बाद अब समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने इसका जवाब दिया है। अपने ट्वीट में क्रांति ने बताया कि वो और समीर दोनों हिंदू हैं और दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ ही हुई है और दोनों ही हर धर्म का आदर करते हैं। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति ने अपनी शादी की दो तस्वीरें ट्विटर पर शेयर करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मैं और मेरे पति समीर जन्म से हिंदू हैं। हम कभी किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। समीर के पिता भी हिंदू हैं। क्रांति ने अपने ट्वीट में लिखा कि मेरी सास यानी कि समीर की माँ मुस्लिम थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। समीर की पिछली शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी। उनका तलाक 2016 में हो गया था। इसके बाद क्रांति और समीर की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 2017 में हुई थी। आपको बता दें कि क्रांति ने ये पोस्ट तब की है जब महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर जाति का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी पाने का आरोप लगाया था। नवाब मलिक ने एक बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी ट्वीट की थी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया था कि ये बर्थ सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े का है। इसमें पिता का नाम दाऊद के वानखेड़े लिखा था, वहीं धर्म की जगह पर मुस्लिम लिखा था। नवाब मलिक ने बर्थ सर्टिफिकेट की फोटो को ट्वीट करते हुए लिखा, समीर दाऊद वानखेड़े का यहां से शुरू हुआ फर्जीवाड़ा। नवाब मलिक के आरोपों के बाद समीर वानखेड़े ने भी प्रेस रिलीज जारी की थी और बताया था कि वो बहु धार्मिक परिवार से है। उन्होंने कहा था, मैं बहु धार्मिक परिवार से आता हूँ। मेरे पिता ज्ञानदेव कचरूची वानखेड़े एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं। समीर ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा कि वो हिंदू हैं, मेरी दिवंगत माँ जहीदा मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।